रही खबर क्यों। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में शराब के कारोबार को प्रशासन द्वारा खुली छूट दे दी गई। लोगों की शिकायत सोशल मीडिया में खुलेआम शराब तस्करी के वीडियो वायरल होने के बाद भी आज तक शराब माफिया और शराब की अवैध तस्करी कराने वाले शराब दुकान ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। निश्चित अगर गांव में कोई गरीब शराब बेचता है तो प्रशासन के लोगों द्वारा उन पर कहर बनकर टूट जाते हैं और नियमों की बात करें तो जितने भी नियम हैं वह सब लागू हो जाते, पर जहां पर करोड़ों का ठेका लेकर ठेकेदार द्वारा मनमानी का कहर बरसाया जाता है वहीं पर प्रशासन के उन्हीं लोगों द्वारा उन्हें शाबाशी दी जाती है। जी हां, नियम तो अपने आप ही दरकिनार हो जाता है, लेकिन जैसे नगर अंग्रेजी शराब ठेके दुकान के ठेकेदार द्वारा अपने गुर्गों से खुलेआम तस्करी करवा रहा, जिसमें शहडोल के प्रशासन की अप्रत्यक्ष स्वीकृति देखी जा रही है। और यह बात तो उस समय से स्पष्ट हो जाती जब ठेकेदार के गुर्गे सुनील जायसवाल द्वारा बस स्टैंड में अपनी और अपने ठेकेदार की शाबाशी का डंका पीटते नजर आते हैं, जहां पर वास्तव में प्रशासन और नियमों पर दया के अलावा और कुछ आता ही नहीं। तभी तो छोटे मोटे गुर्गे के भी ऊंची बोल बोलने में कसर नहीं करते और उनकी तानाशाही उस समय स्पष्ट हो जाती है जब उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम खुलेआम शराब बिकवाएंगे और जिन क्षेत्रों में नहीं चलता है वहां हम देखते हैं कि कब तक वहां का प्रशासन हावी होता है हम पर, किसी ना किसी तरह हम पूरे एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, जिसे जो करना है करता रहे। दीपक कुमार गर्गी की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।